तारीफ हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आ रही है देखने के लिए, क्या है इस बारे में जानकारी है आप लोगों के पास में? हैप्पीनेस क्लासेस की तारीफ होती है तो मुझे भी हैप्पीनेस होती है, क्योंकि आप कुछ करें और उसकी चर्चा हो, उससे बच्चों के जीवन में बदलाव आए, टीचर्स खुश हों, बच्चे खुश हों, पेरेंट्स खुश हों, तो शिक्षा मंत्री भी खुश, और क्या है, तो अच्छा लगता है। हैप्पीनेस क्लासेस हमने करीब 1.5 साल पहले शुरू की थी और उसमें मेडिटेशन कराते हैं, इमोशनल स्टोरीज होती हैं, बच्चों के अंदर के इमोशंस जगाते हैं, उनके अंदर इमोशनल एक्टिविटीज कराते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर अपने पेरेंट्स को लेके एक अलग तरीके के इमोशंस पैदा हो रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं, अलग तरीके का प्यार पैदा हो रहा है, सोसाइटी के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति, दोस्तों के प्रति अच्छा फीलिंग्स पैदा हो रही हैं बच्चों में, पढ़ाई के प्रति फोकस पैदा हो रहा है, और ओवरऑल देखें तो बच्चों का अपना एक व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है, जिसको हम कहते थे कि हम अच्छा पढ़ाई दे दें लेकिन अच्छे इंसान कैसे बनाएं। हैप्पीनेस के जरिए अच्छे इंसान बनाने की प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से चल रही है, अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोग और समझना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी। सर, कोई विजिट के बारे में ऑफिशियली आप लोगों के पास जानकारी है क्या? दिल्ली है जो यहाँ पे कराई जा रही है? नहीं, इतनी सारी, मैंने जब हैप्पीनेस क्लास लॉन्च की थी उस वक्त भी कहा था कि हम कानूनों के जरिए, बड़े बड़े व्यवस्थाओं के जरिए आपस की हेटरेट को, आपस के टेंशन्स को, युद्ध को दूर करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स करते हैं। अगर हैप्पीनेस क्लासेस दुनिया के सारे स्कूल्स में लगाई जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हैप्पीनेस के नाम से लगाई जाएं, यही लगाई जाएं, हम भी बहुत कुछ सीखेंगे। इमोशनल लर्निंग अगर कराई जाए बच्चों को, मेडिटेशन अगर बच्चों को कराया जाए, तो उससे दुनिया के जितने भी टेंशन्स हैं वो बहुत कम होंगी और बहुत फायदा मिलेगा, परिवारों से लेकर दुनिया के देशों के जितने भी टेंशन्स हैं उसमें काफी मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ जो है वो आधिकारिक जानकारी है क्या सर कोई विजिट के बारे में? हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी और हमने कहा था कि अगर वो आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। कुछ स्कूल्स में उनको लेके व्यवस्थाएं भी देखी गई हैं, पर वो कौन से स्कूल हैं, वो अभी तैयारियों का क्या है, उनके आने का स्टेटस क्या है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर